opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to Crick Buzz's YouTube channel and press that bell icon now. ये आपका साल बिल्कुल हो सकता है, बहुत अच्छा चांस है जैसे टीम खेल रही है. आज आप देखिए मुंबई के खिलाफ खेलें एक सूर्य कुमार यादव, इनके रास्ते का पत्थर सिर्फ एक बड़ा पत्थर था, पर इनके रास्ते का पत्थर आज पूरा दिन में गेंदबाजी में और बल्लेबाजी में सिर्फ एक रास्ते का पत्थर था सूर्य कुमार यादव. अदरवाइज इनकी जो गाड़ी है आज हाईवे पे स्मूथली चली है. अजय भाई आरसीबी की हो आरसीबी तो अलग चल रही है सर. अब मुझे समझ आ रही है आरसीबी फैंस को कैसा लगता होगा पास्ट में, आज मुंबई फैंस को लग रहा है ना. और आरसीबी फैंस को वो कॉन्फिडेंस आ रहा होगा जो मुंबई फैंस को था, क्योंकि खेलते हुए आपको लग रहा है ना. अभी अनुज रावत जो नए देखने वाले हैं फैंस, उन्होंने उनका नाम नहीं सुना था, वो आके मैच जिता गए. जैसे ईशान किशन दो तीन साल पहले आरसीबी में आए, सॉरी माफ कीजिएगा, मुंबई इंडियंस में आए, हार्दिक पांडे आए, नए नए आते थे, पुराने तो होते ही थे. तो यहाँ पे कोहली है, यहाँ पे कप्तान फाफ डुप्लेसी हैं, मैक्सवेल हैं, लेकिन अनुज रावत ने काम कर दिया. हर्षल पटेल हैं, हर्षरंगा को लाए हैं, वो भी काम कर रहे हैं. तो इस वक्त तो ऐसे वो स्मूथ सेलिंग जो होती है ना, बैटिंग में कोई तकलीफ ना बॉलिंग में कोई तकलीफ, और एक कामनेस जो आप कह रहे हैं मुंबई इंडियंस के साथ होती है, वो यहाँ अब नजर आ रही है. बिल्कुल, यू नो कि अब कोई ना कोई कर देगा. और जब आउट हुए मैक्सवेल को आना है, नहीं अभी डीके आए हैं एकदम फिनिशिंग के लिए. तो हर एक का रोल भी चल रहा है, कौन कहाँ खेल रहा है वो अच्छा खेल रहा है, और जिसको जहाँ खेलना चाहिए वो जिग्सॉ पजल भी इनका बहुत तगड़ा सेट है. दो मेन स्तंभ हैं इसके, यू नो, एक हर्षल पटेल, यू नो बहुत अंडररेटेड है. यू नो कटोरी वालों के मैं इतना फैन नहीं होता, लेकिन ये कटोरी ना पूरी थाली पे रस देती है, ऊपर से नीचे तक आ जाती है ना. वो अभी भी मैं मानता हूँ स्तंभ है. आप जब जब गेम से बाहर होते हैं वो वापस आपको ले आते हैं. आज भी 60 पे ऑलमोस्ट 58 फॉर नो लॉस, 50 फॉर नो लॉस, 50 फॉर नो लॉस, फिर आके इन्होंने रोहित शर्मा को आउट किया. तो वो मोमेंट्स भी आपकी तरफ जा रहे हैं, और इस वक्त तो वो 11 में ऐसा कोई प्लेयर नहीं नजर आ रहा कि यार ये वीक लिंक. सभी स्ट्रेंथ है, रॉयल चैलेंजर्स नहीं, इस बार इनको चैलेंज करना पड़ेगा बाकी टीमों को. अरे वाह, स्तंभ कौन है? एक हर्षल पटेल है. नहीं, दूसरा स्तंभ मैं फाफ को मानता हूँ. मुझे जो नोटिस जो मैंने किया बैंगलोर की टीम के साथ वो ये है कि पिछले कुछ सालों में ना एक दो तीन पर बहुत चेंजेस होते थे. कि कभी कोई ओपनिंग कर रहा है, कभी कोई नहीं चाह रहा, विराट कोहली ओपनिंग कर रहा है, फिर ओपनिंग से तीन पर आ रहा है, तो वो घूम रहे थे. इस साल वो एक बार भी नहीं देखने को मिला. पैप और अनुज रावत आए हैं, तीन नंबर कोहली आए हैं, चार पाँच छः पे हुआ है, चलो ठीक है, वो फिनिशर कोई हसरंगा को भी ट्राई कर लिया, दूसरों को भी ट्राई कर लिया, लेकिन टॉप ऑर्डर को नहीं अभी तक खिलाया है. और अब मेरे ख्याल से मैक्सवेल के आने के बाद ना वो सेटल हो गया है कि भाई तीन पे कोहली आएंगे, चार पे मैक्सवेल, अगर जल्दी विकेट गिरी, नहीं तो डीके खत्म करने आएंगे. तो वो एक सेटलमेंट दिख रही है यहाँ बल्लेबाजी में, जो कि पिछले कुछ सालों में नजर नहीं आई थी.